ज़्यादातर हमारे मित्र जो हैं हम लोग एक दूसरे से परिचित भी हैं, व्यक्तिगत रूप से भी और प्रोफेशनली भी, और जो दोस्त इस वक्त हमसे परिचित नहीं हैं उनको, जैसे मैं भी विजय भैया के का जीवन वृत्तांत एक मतलब झलकियाँ थी, लेकिन उन झलकियों में एक बहुत कॉमन और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे को लगी, जो मैं यहाँ पे शुरू ही वहीं से करता हूँ, मुझे लगता है कि वहीं से शुरू करना चाहिए मुझे। जिंदगी में जिसने जितने रगड़े खाए और अपने घर से जो जितना दूर रहा उसी के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। इस पूरी कश्मकश खींचतान गला काट होते हुए था, और दुनिया भर के जितने भी शब्द हैं और जितने भी भाव हैं जो कि किसी भी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को, व्यक्तित्व को डेवलप होने के लिए वो झेलनी पड़ेंगी उम्र भर, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने कंफर्ट जोन, यानी कि हमारा एक बच्चे का कंफर्ट जोन क्या हो सकता है, वो उसका घर होगा, माँ बाप का सहारा, भाई बहनों का साथ और वो सारी चीज़ें, तो वो ज़रूरी है एक व्यक्तित्व के डेवलपमेंट के लिए। मुझे लगता है कि आप वो चांस मत खोइए कि जब आपको अपने घर से दूर रहना पड़े और तब जो दुनियादारी आप सीख पाओगे वो मुझे नहीं लगता कि घर में रह के या एक एक क्लोज्ड एक कोकून के अंदर आप उतने पंख आपके उतने नहीं, जब तक कोकून टूटेगा नहीं तब तक आप बड़े पंख नहीं फैला पाओगे। मेरे फादर जुडिशल ऑफिसर थे और राजस्थान जुडिशल सर्विसेज में थे, तो पूरा राजस्थान भर जब मैं पैदा हुआ था फर्स्ट पोस्टिंग थी पापा की कोटा। 12वीं तक मैंने 8 स्कूल बदले, यानी जब मैं 12th जब मैंने पास किया है जयपुर महावीर स्कूल से, तो 8 स्कूल चेंज हो चुके थे तब तक। तो इस तरह से मतलब स्टेबिलिटी नहीं होती थी। अब उसमें एक फ़ायदा और एक नुकसान। पहला फ़ायदा ये कि राजस्थान भर के लगभग सभी अंचल, मेवाड़ को छोड़ के लगभग सभी अंचल जो है वहाँ पे पापा की पोस्टिंग रही, जैसे मैंने बताया कोटा, हनुमानगढ़, गंगानगर, भरतपुर, डीग वैर, नागौर, जोधपुर और 12 जब पहला जिला बना था 12 तो 12। तो उससे एक फ़ायदा ये हुआ कि जब स्कूल टाइम में हम लोग लोकल जब भी जिस किसी भी स्कूल में जाते हैं सबसे पहला काम होता है वहाँ की लैंग्वेजेस से थोड़ा सा परिचित होने का मौका मिलता है, क्योंकि लोकल जो बच्चे होते हैं वो अपनी भाषा में बात कर रहे होते हैं तो आप फिर सीखने की कोशिश करते हो बहुत सारी चीज़ें। तो एक तो भाषा का फ़ायदा हुआ, दूसरा क्योंकि 3rd-4th में थे हम लोग जब, तो गाने का भाई वो तो जो शौक है वो अब आगे जाके वो प्रोफेशन बनेगा ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन गाने का और संगीत का एक बड़ा अच्छा सा वो जब भी मौका मिलता था स्कूल में अपने वही नॉर्मली जैसे सब बच्चे करते हैं वैसे हम लोग भी पार्टिसिपेट करते सीखते टीचर्स से वहाँ पे स्कूल्स में। तो अलग अलग अंचल के अलग अलग तरह के जो वहाँ के लोकगीत या वहाँ की भाषा वाले जो गाने होते हैं वो सीख रहे हैं, और फिल्मी तो खैर ऑब्वियसली हम लोग सभी लोग कोशिश करते हैं, और घर में माहौल संगीत का वैसे कुछ नहीं क्योंकि हमारे पूरे खानदान में कोई म्यूजिशियन नहीं है, और तो इसलिए संगीत की कोई कहना चाहिए जो एक प्रॉपर जो ट्रेनिंग होती है उस तरह से ट्रेनिंग उतनी लेने का ना तो टाइम मिला। अब हर 1.5-2 साल में आप स्कूल में जाके अपना सेटल हो या फिर जाके स्कूल कहीं ढूंढो, कहीं गुरुजी मिल जाए तो थोड़ा टाइम जाके सीखो, तो बहुत अजीब सी सिचुएशन रहती है। जब मध्यम वर्गीय सर्विस क्लास फैमिलीज होती हैं जिनमें नॉर्मली कोई बिजनेस टाइप का बैकग्राउंड नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस ठीक है एक व्यक्ति कमाता है और उसके पीछे बस चलती रहती है फैमिली, तो वो एक घबराहट होती है भाई तू बड़ा लड़का है तेरा तो पढ़ा पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे, तो वैसा वाले रहते हैं। गाना वाना ठीक है, शौक के लिए ठीक है, बाकी भाई तुम अपना नौकरी करनी है सब करनी ज़रूर करनी है। तो वो जो घर से बाहर वाली जो सिचुएशन थी वो आई मेरी फर्स्ट ईयर में, जब मैं आया राजस्थान कॉलेज एडमिशन हो गया मेरा और फर्स्ट ईयर में मैंने NCC ज्वाइन कर ली। आर्मर्ड स्क्वाड्रन हमारी सामने ही है, वो यूनिट जवाहरलाल नेहरू मार्ग पे, तो वहीं यूनिट में जाना, और उस टाइम पापा की पोस्टिंग भी यहीं जयपुर ही थी, गांधीनगर ही रहा करते थे गांधीनगर में, जहाँ हमारे प्रीतेश भाई और हम लोग सब वो 12th फर्स्ट ईयर 2 साल 2.5 साल हम लोग लगभग लगभग वहीं
एनसीसी में जाके फिर वो एक्सप्लोर करना एक शुरू होता है ना, जब आप 18-19 होते हो, जैसे भाई साहब ने बताया कि आप शिप पे गए, एकता और अनुशासन आपने शिप पे सीखा, हमने एनसीसी में सीखा, एनसीसी में मित्र भी बने और अब ऐसे ऐसे मित्र बने जो आज तक साथ में हैं। और वो एक एज ऐसी होती है जब आप हर तरह से चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते हो, सीख रहे होते हो, तो वहाँ पे एक्सप्लोर किया मैंने कि मैं उससे पहले मैं कीबोर्ड वगैरह ज़्यादा प्ले किया, गाना कम गाता था। तो एनसीसी के रिपब्लिक डे कैंप आरडीसी 95 में तो उसकी तैयारियाँ चल रही थी, और उसमें बहुत सारा सिलेक्शन प्रोसेस होता है, एक 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 करके पूरे राजस्थान भर से 144 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो काफ़ी तो टफ सा होता है कॉम्पिटिशन जैसा रहता है पूरा टाइम, 6-8 महीने का लंबा प्रोसेस है, लगभग पूरा ही साल उसी में निकल जाता है। मतलब मेरा सेकंड ईयर पूरी तरह से मतलब उसी में निकला था, मेरे को ध्यान अच्छी तरह। तो वहाँ पे फिर एक्सप्लोर किया कि साहब मैं गाना गा सकता हूँ, कुछ गाया, और गाया भी बड़ी सीरियस टाइप की चीज़ गाई, वो जगजीत सिंह जी साहब की गज़लें सुनने का शौक लगा था नया नया, बांसखो में हमारा कैंप लगा था, और वहाँ पे एक पनवाड़ी की दुकान पे उसके पास अच्छा सा बड़ा साउंड सिस्टम था, वो बजाता था, वो अर्थ और साथ साथ का एक कॉम्बिनेशन आता है, फिल्म अर्थ और साथ साथ, ये दोनों एल्बम्स एक ही ए साइड और बी साइड में थे, वो पूरा टाइम शाम के टाइम वही चलाता था, बड़ा शौकीन था। तो उस चक्कर में हमको मज़ा आ गया, मैंने कहा वाह वाह क्या बात है। और तो एक नज़्म थी जिसको अर्थ में जगजीत सिंह जी ने गाया था, तेरे खत, तो तेरे खत जब सुनी उसके यहाँ पे तो बड़ा अच्छा सा लगा, मुझे लगा कि क्या बात है यार, क्या लिरिक्स हैं, वाह, सुन के नज़्म मज़ा आ गया। वो कुछ यूं थी, जिनको दुनिया की निगाहों से छुपाए रखा, जिनको एक उम्र कलेजे से लगाए रखा, दिन जिनको जिन्हें ईमान बनाए रखा, तूने दुनिया की निगाहों से जो बच कर लिखे, साल हा साल मेरे नाम बराबर लिखे। 96 में पास आउट हो गया था एनसीसी से भी, और मेरा ग्रेजुएशन भी पूरा हो गया, उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर मेरा एलएलबी शुरू हो गया, और यहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया था। अब चक्कर ये हुआ क्योंकि एनसीसी का एक प्रभाव ये पड़ता है, आप एक वो फौजी टाइप की जिंदगी जी लेते हो, और स्पेशली जब ये आरडीसी जैसे बड़े कैंप्स जब करते हो लंबे टाइम, तो आपको एक शौक लग जाता है, मजा आ गया यार, अंडर ऑफिसर बन गए, पता नहीं यहाँ पे सीनियर अंडर ऑफिसर, फीस लग गई दुनिया भर की चौचपड़। उस टाइम तक डायरेक्ट एंट्री का कोई नियम आया नहीं था कि एनसीसी कैडेट्स जो सी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं उनको सीधा एसएसबी फेस करने का मौका मिल जाता है, आजकल मिलता है, हमारे टाइम पे नहीं मिलता था। अब क्योंकि एनडीए का तो मामला सब पॉसिबल नहीं था, 12वीं में होते जब करते हैं एनडीए, अब तो ग्रेजुएशन हो चुका, तो अब एक ही उपाय बचा था, वो था सीडीएस, तो वो वहाँ भूत की तरह पीछे पड़ गए, और मैंने 3 CDS क्लियर किए सर, 2 साल में मैंने 3 CDS क्लियर करे, एक बार IMA के लिए किया और बाकी 2 बार SSB के लिए, SSC के लिए। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन जो उसकी वो छोटा है, वो मद्रास में उसकी ट्रेनिंग होती है, और बाकी हमारी IMA। तो 3 बार मैंने रिटर्न क्लियर हुआ, 3 बार मैंने 3 SSB जो सेंटर्स हैं, एक है बेंगलोर, दूसरा है भोपाल और इलाहाबाद, 3 मैंने फेस किए, और 3 रिजेक्ट होकर वापस आ गए। और उनका आखिरी डायलॉग हमेशा एक ही होता था, जो ऑफिसर आते हैं रिजल्ट सुनाते हैं सब बच्चों को, तो वो उनका कहना एक ही होता था कि भाई तुम ऐसे निराश मत हो, या नहीं हुआ तो ज़िंदगी में कहीं कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी आपकी वेट कर रही है, सो ऐसा मतलब निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप शायद यहाँ के लिए नहीं बने हो, वो OLQ तो ना OLQ तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो खैर वो सपना ऐसे करके
सपना ही रह गया वो, बहुत मैंने 3 बार कोशिश कर ली, इस बीच में मेरा एलएलबी पूरा होने को आ गया, फिर राजस्थान हाई कोर्ट से रजिस्ट्रेशन हो गया, एडवोकेट बन गए। और 97 की मैं बात बता रहा था, जब मैं फर्स्ट ईयर एलएलबी में था, आकाशवाणी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में मैं गाया करता था उससे पहले भी, मतलब 95-96 में मैंने खूब सारे प्रोजेक्ट्स में गाया, दूरदर्शन के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में गाया, आकाशवाणी से मेरा अप्रूवल हुआ नहीं था एज अ सिंगर। तो वो पहला ऑडिशन दिया मैंने, मुकुल डांगी जी थे हमारे, तो डांगी साहब वो ऑडिशन ले रहे थे और वो खुश हुए बहुत उन्होंने, जिस दिन ऑडिशन हुआ फिर बाद में रिजल्ट आया, नाम आ गया कि चलो भाई तुम हो गए, तो खुश भी हुए। उन्होंने कहा बेटा अच्छा है तुम्हारी आवाज़, तुम रियाज करो, तुम अच्छा कर सकते हो। मैंने कहा सर थैंक यू सो मच, मैं कोशिश करूँगा। भजन गज़ल कैटेगरी में मेरा अप्रूवल हो गया था, तो बड़ा खुश हुआ। उसमें फीस भी बढ़ गई थी, पर 350 रुपये देते थे तो 750 मिलने लग गए, तो वो भी अच्छी चीज़ थी क्योंकि भाई थोड़ा बहुत अब कोई कमाई होने का वैसे कुछ होता नहीं था, बड़े होते जा रहे थे, एज 22-23 साल हो गए, तो यार तो कुछ करना चाहिए, गुरु कोई हिसाब किताब नहीं बैठेगा। तो सब इंस्पेक्टर बनने की मैंने चलो कोई बात नहीं, हुआ नहीं तो ये वर्दी सही RPSC वाला एग्जाम दे दिया, वो क्लियर हो गया, वहाँ पहुँच गए, वहाँ भी इंटरव्यू में मात खा गए क्योंकि मेरिट का मामला था, वो बैठा नहीं, तो अच्छा ही हुआ नहीं बैठा, नहीं तो फिर आफत हो जाती, फिर मैं सिंगर कैसे बनता। खैर सिंगर तो तब भी नहीं बना था। उसके बाद 3-3.5 साल वकालत चली, चली क्या बस घिसटती रही जैसे तैसे। हमारे सीनियर थे ग्वालानी जी, बहुत सीनियर एडवोकेट थे और NDPS के वो केसेस देखा करते थे, लेकिन मुझसे नहीं वो बैठा नहीं मामला, वो काले कोट वाली सेटिंग पता नहीं मेरा माइंड सेट आया, मैं मेरा मन ही लगता, तो मैं तो छुप छुप के मैं ऑर्केस्ट्राज में गाना गाना, कीबोर्ड बजाना, चलो भाई दो पैसे भी आ जाएंगे, और ये सब चीज़ भी करते रहता था, कोई रिकॉर्डिंग्स हो गई कुछ हो गई। इस बीच में 2000 में सारेगामा गया, मैं सारेगामा का ऑडिशन हुआ था 97-98 में ही जयपुर ही, तो सारेगामा पहुँचे। सारेगामा में वो सोनू निगम जी उस टाइम एंकर करते थे उसको, और बहुत रेपुटेटेड ऐसा उसका रेपुटेशन थी उस पूरे प्रोग्राम की कि भाई अगर आप सारेगामा में फाइनल मतलब आप अगर आप परफॉर्म करके आए हो तो मतलब एक सिंगर टाइप का ठप्पा लगेगा पर ये पक्की बात है, क्योंकि बहुत बहुत मुश्किल से वहाँ तक पहुँच पाते थे। 35 लोगों को सेलेक्ट करते थे वो फाइनल शूट के लिए, और उस 35 से पहले उन्होंने 3 साल से ऑडिशन ले रहे थे, आप सोच सकते हैं 97 से ऑडिशन शुरू हुए थे, मोहम्मद वकील, मैं, रहमान, हम सब एक लगभग एक ही साथ सेलेक्ट हुए थे, लेकिन धीरे 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 करके नंबर आया सबका। तो 2000 में मेरा नंबर आया, सेमीफाइनल्स तक मैं पहुँचा, लेकिन फिर उसके बाद नहीं आउट हो गए। तो मेरी हिम्मत इतनी मतलब ऐसा मन में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं मुंबई वगैरह चले जाऊँ, बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जो कि नहीं हम तो मुंबई चले जाएंगे, अब सारे गाँव सेलेक्ट हो गए और हम सिंगर बनेंगे, नहीं मैं तो नहीं बन सकता भाई, मुझे डर लगता है। तो मैं वापस आ गया अपना। इस बीच में 2002 में मेरी शादी हुई, जैसी तैसी वकालत चल रही थी, मैं पार्ट टाइम IAS स्कूल में मैं म्यूज़िक टीचर बन गया भाई, कुछ रुपए तो कमाने पड़ेंगे ना, तो 11-12 बजे तक वहाँ पे जाता, उसके बाद वहाँ से कोर्ट चला जाता, और शाम को फिर आके फिर वकील साहब के पास, या तो शाम को वहाँ जाना है नहीं तो कोई शो वगैरह है तो उधर चले जाओ, ऐसे करके ज़िंदगी चल रही थी। 2004 में इनफैक्ट चैनल वी सुपर सिंगर एक कॉन्टेस्ट हुआ, चैनल वी पे, और वी में क्या था कि जो ग्लैमराइज्ड रियलिटी शोज हैं वो नया नया दौर उस वक्त शुरू हुआ था, क्योंकि उससे पहले सारेगामा रेपुटेशन तो बहुत अच्छी थी लेकिन ग्लैमर नहीं था। अगर आप सारेगामा जाएंगे तो आपको अच्छा सिंगर मान लेंगे, लेकिन कोई ग्लैमराइज जैसे फेस वैल्यू टाइप का कुछ था नहीं उसमें इतना बड़े, तो बहुत सारे आते हैं चलो ठीक है, लेकिन ये रियलिटी शोज जो इन्होंने शुरू किए थे चैनल वी ने, क्योंकि बैंड था फर्स्ट बैंड वीवा था, वीवा के बाद आसमा और आसमा के बाद सुपर सिंगर हमारा, तो आसमा में हमारा मेरा दोस्त था जिमी फेलिक्स, वो यहीं जयपुर का है, तो जिमी ने मेरे को कॉल किया था कि यार तू ऑडिशन दे देना, तो अच्छा है ये है वो है। उसी टाइम पे इंडियन आइडल फर्स्ट के भी ऑडिशन चल रहे थे, तो मैं, गौरव जैन, देव शिखा, वो बहुत सारे जयपुर के बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स, लगभग सभी हम लोग गए थे उसमें और सेलेक्ट भी हो गए।
फिर आगे बढ़े बढ़ते रहे, वो भी लंबा सारा प्रोसेस 5-6 महीने उसमें निकल गए, इस बीच में सारी वकालत छूट गई, लेने देने पड़ गए, बड़ा मुश्किल हो गया। और जनवरी में जाके उसका मतलब उन्होंने फर्स्ट फाइव, जो इंडिया के फर्स्ट फाइव सिंगर्स थे उनका सिलेक्शन हुआ। और इसी बीच में एक सब बहुत अच्छी जो खबर थी उस दौरान मेरे को मिली, मैं फादर भी बना, एक बेटी का बाप बना, तो वो बहुत अच्छा था, बहुत ही इवेंटफुल टाइम था वो 2005 जनवरी के बाद। और फाइनली वो मैं कॉम्पिटिशन जीता और स्टार टीवी के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ मेरा चैनल भी, क्योंकि स्टार का ही एक पार्ट था वो। फिर टर्निंग फेस कहना चाहिए, पूरा जिंदगी एक अलग तरीके से चलने वाली बात हो गई। और मेरा पहला एल्बम रिलीज हुआ टाइम्स से, विशाल शेखर, प्रीतम दा और हिमेश जी, इन सब के गाने थे उसमें। और जो सिलेक्शन हुआ था उसमें भी हिमेश भाई, एआर रहमान साहब और अदनान भाई, तीनों हमारे जूरी थे। और उस टाइम पर वो वोटिंग वगैरह का चक्कर भी नहीं था, मतलब इट वॉज रियली टफ दैट टाइम। और फाइनली वो हुआ तो बहुत अच्छा सारा रिस्पॉन्स मिला। 6 महीने के अंदर अंदर मेरा पहला प्लेबैक भी आ गया फिल्म इकबाल, आंखों में सपना, सपनों में आशा, मुक्ता आर्ट्स की बड़ी सारी फिल्म, सुभाष भेजी, और मतलब एक अलग ही मजा था। लेकिन नया होने का जो एक नया होना किसी जगह पे, और ऐसा होना कि जहाँ पे आपको कोई मतलब ठीक है चैनल कहाँ तक आपको सपोर्ट करेगा, एक लेवल तक वो अपना सपोर्ट करते हैं, उसके बाद आपको अपना हिसाब किताब देखना पड़ता। तो वो एक फिर से एक लर्निंग प्रोसेस ऐसा हो गया कि तो लग रहा वापस स्कूल में भर्ती हो गए, अब जीरो से फिर सीखना पड़ेगा, नए नए टर्म्स, नई नई चीजें, वो मतलब बिल्कुल रूखा टाइप का एक मतलब कोई अपनापन। जैसा हम यहाँ जयपुर में तो ये वो चार बातें हम लोग कहते हैं, प्रकेश जी को मैं 25 साल से जानता हूँ, उनको 28 साल से जानता हूँ, अभी इनको कितने दिन से, आलम जी इनको 15 दिन से जानता हूँ, अरे बाप रे बाप। तो वो बहुत बड़ा अजीब गरीब काम है जब आपके पास कोई बैकअप इस तरह का ना हो। आप समझ सकते हैं क्या कंफ्यूजन हुआ होगा मेरे साथ, फैमिली यहाँ जयपुर में, माधुरी क्योंकि खुद ये सरकारी सेवा में है तो इनकी मजदूरी, ये वहां नहीं आ सकती, मैं वहां से यहाँ नहीं जा सकता, सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया का जो आनंद है वो मैंने लिया, मतलब ठीक है दूर से बड़ा अच्छा लगता रहेगा, काश इस सोने के पिंजरे में मैं पहुंच जाऊं, लेकिन जब पिंजरे के अंदर होता है तो चाहे सोने का हो या लोहे का, पिंजरा पिंजरा ही होता है। और वो एक बड़ी घुटन भरी सिचुएशन होती है जहाँ पे आप सोचते हैं कि क्या हो गया, सही हो रहा है ये, गलत हो गया मेरे साथ। तो रियलिटी शोज का उस दौरान मैंने एक परिभाषा बनाई, और वो परिभाषा ये है कि रियलिटी शोज शोज यू द रियलिटी, इट शोज कि भैया ऐसा है कि वो जो रातों रात स्टार और ये वो सारे सपने रातों रात नहीं होते, वो रात आने के लिए आपको कितनी रातें काली करनी होंगी, कितने दिन गायब हो जाएंगे पता नहीं लगेगा। तो रियलिटी शोज वाला वो 3 साल मतलब बड़े पशुपेश वाले निकले अभी तक मेरे, इस बीच में मेरे 2-3 प्लेबैक्स आए, राम गोपाल वर्मा की एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था आग, जिसमें बब्बन यानी कि हमारे अमिताभ बच्चन साहब बने थे, बब्बर बब्बन बने थे, उसमें मेरा एक गाना था होली कवर, होली वाला गाना, होली सिचुएशन, उसमें मैं श्रेया घोषाल, मैं अपने श्वेता पंडित और सुदेश भोसले जी चार आवाजें थी, अच्छा था गाना था वो गाया। फिर 2008 में मेरा एक एल्बम रिलीज, एक सिंगल रिलीज हुआ डॉक्टर जूस के साथ। डॉक्टर जूस एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं जो यूके बेस्ड हैं, ऐसे रहने वाले बर्मिंगम में रहते हैं, वो हैं भारतीय लेकिन वो सिख हैं। तो उनके कंगना तेरा नी सालों का रेशा है। उसके बाद जो सेकंड सिंगल था वो मेरे साथ किया था उन्होंने, मैं और यान गुप्ता एज ए सिंगर, यान गुप्ता वाज आल्सो सिंगिंग दैट सिंगर, आग का दरिया है डूब भी ना, बहुत ही ग्लैमराइज वीडियो था वो नाडियाडवाला के साथ में उनका टाइप था, तो साजिद भाई की हमर खड़ी हुई है पीछे, और वो क्या मामला है, फिल्म सिटी में शूट हो रहा है 8 नंबर फ्लोर पे, बहुत मजा आया। तो और वो गाना भी खूब चला, इंटरनेशनल रिलीज हुआ था वो, भारत में बिग म्यूजिक से रिलीज हुआ था, और
ईएमआई से इंटरनेशनल था उसका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा और भारत में फ्लाइट, ऐसे करके बहुत अच्छा। और वो साल 2008 में वो रिलीज होता था ना। इस बीच में एक फिल्म आई थी वो राम गोपाल वर्मा की, आज तो मैंने बताया, आज के बाद मैंने एक और फिल्म करी थी उनकी, रक्त चरित्र। तो रक्त चरित्र का मामला ये था कि वो फिल्म दो भागों में बना रहे थे वो लोग। रक्त चरित्र वन का म्यूजिक जब डब हो रहा था तो संदीप मेरे एक अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छे म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं वो, संदीप का फ़ोन आया कि रविंदर यार हम ना कुछ अलग टाइप का कुछ गाना क्रिएट करना चाह रहे हैं इसमें, और ये ऐसा बड़ा डार्क इसका फील है, और एक बार ट्राई करके देखते हैं। सर ठीक है करते हैं ट्राई। और वो ट्राई किया, मतलब गाया, वहाँ ऐसे ही चलता है, ट्राई करते हैं आजकल, गाता तो कोई है ही नहीं, बोले कोई तो कब मार के देख लो, लग गया तो तीर, अदरवाइज तुक्का है। तो खैर तो गाना था, और वो गाना आप लोगों ने बहुत सुना है, मतलब गाना गाने की तरह नहीं सुना है, उस गाने को देखा है आपने बहुत बार, वो मैं बताता हूँ आपको। वो गाना था मिला तो मरेगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। हर एक भारत में जितने भी रियलिटी शोज, जो डांस वाले रियलिटी शोज हैं, हर एक रियलिटी अब तक का, अभी तक भी मैंने रिसेंटली, अभी लास्ट कौन सा आया था अभी थोड़े दिन पहले, हाँ इंडियाज बेस्ट, उसमें भी वो गाने के ऊपर कोरियोग्राफी बड़ी तगड़ी। और वो गाना आप एक बार ज़रा यूट्यूब पे खाली उसको ढूंढिएगा, मिला तो मरेगा रक्त चरित्र, आपको हर एक रियलिटी शो में आपको उस गाने के ऊपर कोरियोग्राफी मिलेगी। इतना ज़्यादा पॉपुलर गाना है, 6-8 में गाना है। और वो गाना मैंने हिंदी, तमिल और तेलुगु तीन भाषाओं में गाया, मैंने ही गाया क्योंकि सूर्या जो वहाँ के तमिल के जो हीरो थे इसमें रक्त चरित्र में, उनका कहना था मेरे को यही टोन चाहिए, तो बोले यार ये तो हिंदी गाने वाला लड़का है, बोले कोई बात नहीं यार तुम ट्राई करो। 3 दिन लगे मुझे वो तमिल और तेलुगु जो गाने डब करे, क्योंकि वो बार बार कुछ ना कुछ करेक्शन आ जाता था, वो जुबान में फंसती है। और तेलुगु हम, मेरे को तो उससे पहले ये भी नहीं पता था कि तेलुगु और तमिल अलग अलग दो कन्फ्यूज हो जाते थे। तो खैर तो वो किया और वो बड़ा मज़ा आया उस गाने में, और गाना अच्छा चला। उसके बाद राम गोपाल वर्मा के एक दो प्रोजेक्ट्स में मैंने और भी किया, डिपार्टमेंट में किया और रक्त चरित्र 2 में किया, तो वो किए। फिर 2012 में मेरा एक गाना रिलीज़ हुआ, फिल्म तलाश, आमिर खान, रानी मुखर्जी और करीना कपूर, वो जिया लगेना, राम संपत जी का म्यूजिक था उसमें। और वो गाना मतलब म्यूजिकली बड़ा अच्छा, मुझे वैसे पर्सनली बड़ा पसंद है उस गाने को। अब ऑलमोस्ट 8 साल हो गए रिलीज़ हुए, अक्टूबर में रिलीज़ हुआ था। और वो आप जब भी सुनिएगा उस गाने में, क्योंकि थोड़ा सा क्लासिकल का एक पुट है उसमें, वो बासी नज़र नहीं आता उसमें, वो फ्रेशनेस बनी हुई रहती है उस गाने की, यही खास बात है। और अच्छा बहुत सुंदर ब्रेक था वो मेरे लिए, उसकी कुछ 2 लाइनें आप लोगों के लिए गुनगुनाता हूँ। क्या जाने क्यों है, क्या जाने कैसी अनदेखी सी डोर, ओ क्या जाने क्यों है, क्या जाने कैसी अनदेखी सी डोर, जो खींचती है जो ले चली है अब यूं मुझे तेरी ओर, जिया लागे ना तुम बिन मोरा, जिया लागे ना तुम बिन मोरा, जिया लागे ना तुम बिन मोरा, जिया लागे ना। ये तो सफर जारी है। इस बीच में यहाँ से राजस्थान से लगातार जुड़ाव रहा है मेरा। मैं एकदम से, जैसे भाई साहब ने कहा कि समुद्र में जड़ें नहीं होती, तो मेरे को वही बॉम्बे में लग रहा था कि यार जड़ नहीं है, चलो बीज तो वो आए हैं, चेक करते हैं जड़ें कितनी फैली। तो मैं यहाँ पे आया तो मैं थोड़ा सा झिझकता था, मुझे ऐसा लगता था कि नहीं रीजनल में क्यों दिमाग लगाना, मैं तो बॉलीवुड का प्लेबैक सिंगर हूँ ना, तो मैं रीजनल में नहीं जाऊँ। लेकिन फिर
धीरे धीरे ये बात मेरे को लगने लगी कि नहीं, अगर अपना अपनी भाषा के साथ अगर मैं नहीं आया एज अ सिंगर, तो उससे मेरा तो खैर कोई खास ना फायदा ना नुकसान, लेकिन एक मौका होता है कि जहाँ पे आप थोड़ा सा उसको ग्लैमराइज जैसे जैसे करते जाओगे। YouTube आया 2008 में, और 2008 में ही मेरा एक एड फिल्म एक रिलीज हुई थी जिसमें दृष्टिबाधित बच्चों के लिए नेत्रदान की को प्रेरित करने वाली एक फिल्म थी, और बहुत बहुत मार्मिक और बड़ी अच्छी फिल्म थी। और वो एक गीत, पूरा गीत चलता है उसमें, और वो होली बच्चे जो है, बच्चे होली खेल रहे हैं और वो दृष्टिहीन है, शुरू में पता नहीं लगता विजुअल से, बाद में जब वो अनफोल्ड होती है स्टोरी तो दिखता है कि बच्चे का प्रश्न था अपने वार्डन से, एक हॉस्टल में सब दृष्टिहीन बच्चे रहते हैं, वार्डन से लास्ट में बच्चा पूछता है कि काका जी जो है वो सफाई वफाई ऐसे कर रहे हैं, अरे बेटा आज तो बहुत तुम लोगों ने खेल होली होली बड़ी खेली, रंग खेले देखो कैसे, अभी देख तेरे गाल पे से रंग अभी छूटे नहीं है। तो बच्चा पूछता कि काका रंग कैसे होते हैं, तो बेटा बहुत सारे रंग होते हैं, लाल हरा नीला, बोले हरा रंग कैसा होता है। तो वहाँ पे काका जी जो है वो उनके शब्द खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो उनके पास उस भाव को कैसे समझाए कि अब इस बच्चे को हरा रंग कैसे पता लगेगा कि दृष्टिहीन बच्चा हरा रंग देखना चाहता है, और उसी जगह वो खत्म होती है फिल्म। तो वो फिल्म जब कोड रेड फिल्म से रिलीज हुई थी, तो उन्होंने जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर थे जुगू भाई, उन्होंने बताया कि वो तुम्हारी फिल्म रिलीज हो गई है यार रविंद्र, देख लेना। मैंने कहा कहाँ देखूँ, बोले यूट्यूब पर। मैंने ये क्या होता है यूट्यूब पर, मैंने सॉरी, अरे बोले तुम YouTube.com ऐसे करना, तो YouTube.com पर निकलेगा तुम्हारा, देखना फिर वहाँ पर। तो मुझे पता ही नहीं था, मतलब मैंने पहली बार YouTube को मेरी फिल्म देखने के लिए खोला, लेकिन अच्छा हुआ 2008 में खोल लिया, लेट खोलते तो हम काफ़ी सारी चीज़ें मिस हो जाती। तो टेक्नोलॉजी बदली है, खूब बदली है, म्यूजिक का कलर चेंज हो गया, म्यूजिक का फ्लेवर चेंज हो गया, इस बीच में कई सारी तूतू-बम हो गई म्यूजिक को लेके, स्पेशली बॉलीवुड में जो सीन, हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड एक तरह से, एक बार तो हम 2001, 2, 3 तक भी देखते थे कि उस टाइम नॉन फिल्म म्यूजिक चलता था, एल्बम्स आते थे, पंजाबी एल्बम्स हुआ करते थे मेहंदी जी के, बहुत सारे मीका वगैरह सारे चलते थे। उसके अलावा फिर पॉप म्यूजिक चलता था, शान सोनू निगम जी के शानदार शानदार एल्बम्स आते थे, और गजलों का भी एक अलग माहौल था, जगजीत सिंह जी, और मतलब सब नॉन फिल्म का बड़ा अच्छा म्यूजिक का सीन था। लेकिन धीरे 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 वो चीज़ सेट असाइड हो गई, और पिछले 15-16 साल मतलब जो भारतीय लिसनर्स जो फिल्मों को छोड़ के कुछ अलग सुनना चाहते थे, उनके लिए ऑप्शंस बहुत लिमिटेड ऑप्शन। उस पर भी फिर ऊपर से एक समस्या ये कि नहीं जी हम तो यही सुनाएंगे, हमारे यहाँ भेड़ चाल की बहुत जबरदस्त समस्या है बॉलीवुड में, एक चीज़ हिट हो जाए सारे उसके पीछे भाग जाते हैं ना, वो वैसा चाहिए। अरे भाई वैसा तो चाहिए, लेकिन आप नया क्यों नहीं करना चाहते। तो प्रॉब्लम ये होती है, वो 4-5 साल हो जाते हैं, नया आते आते टाइम लग जाता है, तो 4-4, 5-5 साल करते आते 3-4 फेजेस निकल गए। जब मैं सुपर सिंगर बना था उसके इमिडिएटली 1 साल बाद हिमेश रेशमिया जी का फेज आया था, सारे गाने सी शार्प माइनर पे, एक ही ट्यून पे सारे गाने, 3-4 हज़ार गाने थे उनके पास। उन्होंने बताया कि 3,500 गाने पड़े हैं मेरे पास। मैंने कहा सर कॉर्ड चेंज होगा या यही रहेगा, ओ गाना वही है, ट्यून वही है, वो क्यों वही ट्यून है, वही टोन है, चल नहीं था। 45 मिनट्स का उनका एक मेडली होगा, तो 45 मिनट्स का मतलब आधा शो एक मेडली में निकालते थे, क्योंकि उनको कुछ करना नहीं, म्यूजिशियन को भी ज्यादा कुछ करना था, खाली एक माइनर कॉर्ड पकड़ा, गाओ साहब आते जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओ उसी में चलेगा, चेंज ही नहीं होगा, सारे गाने वही निकल गए। मेरा भी उन्होंने एक गाना मेरे को दिया था, और बड़ा जोरदार गाना था, पहला गाना मेरा फर्स्ट प्लेबैक जो था वो भी हिमेश भाई का म्यूजिक डायरेक्शन में था, आंखों में सपना। और एक और गाना उन्होंने मेरे से गवाया, वो था वो थोड़ा सा उन्होंने मुझे कहा भी था थोड़ा सा थोड़ा टोन बनाओ, तो वो टोन वो था वो दिल 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 समझे कहाँ मुकम्मल 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 जहाँ मिले ना यहाँ। तो यहाँ पे हम कृष्णा स्टूडियोज
जो सारा स्टूडियो वहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। इतना बड़ा फ्लोर है, ऐसे जैसे ये रूम है, इतना बड़ा फ्लोर में मैं खड़ा हूँ। बोले यार वो विब्रेटो चाहिए मेरे को एक्स्ट्रा। तो मैं जैसे मैं कह रहा था ना, बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने में मिलती थी, तो गाने में विब्रेटो क्या होता है? बोले नहीं मुकम्मल, बोले झटका खाओ यहाँ। तो खैर ये इतनी सारी चीज़ें मतलब टुक टुक के पिट पिट के सीखी और मज़ा भी बहुत आया। ऐसे ही अदनान भाई का एक गाना मैं रिकॉर्ड कर रहा था, वो फिल्म अनफॉर्चुनेटली रिलीज नहीं हुई। उसमें मैं और उदित नारायण जी की, वो ऐसा था जैसे दो राइवल हीरोज होते हैं, उनके बारे में कुछ फिल्म थी, तो कुछ अड़ाअड़ी वो टाइप का गाना था वो। और वो गाना हम लकड़ा वालाज में रिकॉर्ड कर रहे थे। अब लकड़ा वालाज में जब मैं गया तो मैंने कभी इतना बड़ा फ्लोर देखा नहीं था। मतलब मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा लगा जैसे किसी पिक्चर हॉल में गया हूँ, उसमें सारी सीट्स हटा दी हैं, स्क्रीन भी नहीं है, बहुत दूर वो कंट्रोल और इतनी दूर में बैठा हूँ। क्योंकि वो उस ज़माने का स्टूडियो था जहाँ 150-200 आर्टिस्ट घुस के एक साथ रिकॉर्डिंग करने वाला, वो स्टूडियो में तो मेरे समझ में नहीं कि वो कह रहा है माइक कहाँ है। वहाँ वेट में तो वहाँ से घुसा तो माइक, वो कौन भी एक छोटा सा हल्का सा बल्ब टाइप का जल रहा है, वहाँ पर माइक लगा है। हाथ पर कांप गए मेरे में, ये भगवान में कैसे कहूँगा, मेरी आवाज़ वहाँ तक जाएगी कैसे, माइक लग रहा है भाई इससे जाएगी। कहने का मतलब ये है कि नया, जब कोई भी बंदा नई चीज़ें देखता है, अपने आप को संभालना, फिर डिलीवर करना, रोज़ परीक्षा देना, आज इन म्यूजिक डायरेक्टर साहब का गाना है तो आज इनका है, परसों उनका हो सकता है, वो इनके राइवल हो सकते हैं, वो इनके दोस्त भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, क्या करें। कैंप और ग्रुप्स अभी तक नहीं समझ में आई मेरे को, आई एम सॉरी, अभी तक नहीं समझ में आई। और एक सबसे बड़ी समस्या और हो गई, वो ये कि जब मैं सी शार्प से स्केल से ऊपर होता हूँ तो मेरी टोन सुखविंदर जी से मैच करती है। नॉट माई फॉल्ट, मैं चाह के नहीं करता, ऐसा होता है। अब ये इंडस्ट्री वही वाली है कि जो नकली के भी नकली को ले लेती है। अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन दो ऐसे सिंगर्स हैं जिनमें से एक सिंगर ने किशोर दा को फॉलो करके वो आए, एक सिंगर ऐसे हैं जो उनकी भी मतलब आगे कहानी चली गई, लेकिन उनको भी ले लिया क्योंकि वो जुगाड़ था मेरे पास, हमारा था जुगाड़ नहीं था भाई, सॉरी मेरे पास नहीं है जुगाड़। तो मैंने क्या किया, मैंने राजस्थान का रुख किया, घर चलो यार, घर की तरफ भी देख लो। ये लोग तो करते रहेंगे, टेस्ट चलता रहेगा, ये एग्जाम तो देता ही रहूँगा जिंदगी भर, उससे मुझे डर नहीं लगता, अपने घर चलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है वैसे वैसे ईयर ट्रेनिंग भी चेंज हो रही है हमारे लिसनर्स की स्पेशली। अब क्या हो गया, लिसनर्स का भी एक मतलब सेक्शन बन गया, हम लोग अपने गानों की सक्सेस या मतलब अपनी क्रिएशंस की सक्सेस अब लाइक्स और सब्सक्रिप्शंस और व्यूज से करने लग गए, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। म्यूजिक में, म्यूजिक को कौन मतलब, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि दो क्रिएटिविटी, दो कृतियां, दो जो सृजन किया गया है बड़े मन से, किसी ने लिखी, किसी ने संगीतबद्ध किया, किसी ने गाया, क्या उन दो चीजों को कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एमेथिस्ट और एक हीरे को, अरे भाई मुझे ये पसंद है यार, ये कलर्ड सोना है, लव दिस, मेरे को ये सफेद जग नहीं चाहिए यार, इसमें कुछ कलर ही नहीं है, तो क्या उससे उसकी कमी हो जाएगी? नहीं, इसकी कीमत भी कम, बल्कि ये महंगा रहेगा इसकी जो है वो रेट। लेकिन इस पर पहले तो कीमत लगनी नहीं चाहिए। सबसे बड़ी तो समस्या ये है कि हम क्यों ये किसी भी गाने को या किसी भी कविता को या किसी भी कहानी को हम किसी एक एक सक्सेस और फेलियर के उस पर रखना चाहिए ही नहीं। मुझे लगता है कि वो कला के साथ सबसे बड़ी ज्यादती होती है, गलत बात है, वो तो बहुत हिट है, वो तो बकवास है। नहीं, ऐसा नहीं होता, प्रयास सभी करते हैं, जब भी कोई चीज़ बनानी होती है तो वो सब लोग कोशिश करते हैं, हम लोग भी कोशिश करते रहे, एक गाना बना और वो सफलता के मापदंड पे भी चढ़ा, वो गाना सुना के ये असल में मैं तो किसी डेस्टिनेशन पे नहीं हूँ अभी, मैं सफ़र में हूँ और ये सफ़र जारी रहना चाहिए। एक कलाकार का सफ़र मरते दम तक ख़त्म नहीं होता, वो कुछ ना कुछ सीखता है, कुछ ना कुछ सिखाता है और कुछ चीज़ें अपनी छोड़ के जाता है, और उसके लिए उसको याद करना चाहिए हमेशा। तो
राजस्थानी में ये वाला गाना बहुत चला मेरा, और इसके लिए मैं मेरे दोस्तों को रैपर या बालम, हमारा कुणाल भाई कुणाल वर्मा और कमल चौधरी जो मेरे को सिंगर थे इस गाने में, तीनों को भाई बधाइयाँ भी देता हूँ और थैंक्स भी बोलता हूँ, मुझे इस टीम में रखा उन्होंने। थारे रूप रंग सो कोई सोनो नहीं जग में, थारे रूप रंग सो कोई सोनो नहीं जग में, सूरज चंदा के बहतो सागर मन जग सारो अब न भावे, थारे रूप रंग सो कोई सोनो नहीं जग में, थारे रूप रंग सो कोई सोनो नहीं जग में, हरियाला बनाओ नादान बनाओ, मैं सुती बादल महल बनी न क्यों जगानी हो, एक तू ही जाने थार प्रीत बसी रग रग में, एक तू ही जाने थार प्रीत बसी रग रग में, सावणियों बह जावे झरझर यादा जद माने थारी आवे, जयपुर ये गए नादान बनिए, जयपुर ये गए नादान बनिए, थारे ओढ़न की चतराई बनी मैं चूंदड़ी ल्यायो ए, थारी ओढ़न की चतराई मनी मैं लहरियो ल्यायो ए, हरियाला बनाओ नादान बनाओ, मैं सुती बादल महल बनी न क्यों जगानी हो, मैं सुती बादल महल बनी न क्यों जगानी हो।